नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है डी ट्रिपल एस बी की लेटेस्ट अपडेट के साथ। डी ट्रिपल एस बी की तरफ से टीजीटी मैथ्स मेल का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है और उसी के साथ-साथ दो रिजेक्शन नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जो कैंडिडेट रिजेक्ट हुए हैं उनका भी उसमें रोल नंबर शामिल है। तो ठीक है दोस्तों, बिल्कुल डिटेल से तीनों नोटिस हम देख लेते हैं, रिजल्ट नोटिस और दोनों रिजेक्शन नोटिस जो कि जुड़े हुए हैं टीजीटी मैथ्स मेल। तो ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसका रिजल्ट नोटिस। ये है रिजल्ट नोटिस नंबर 420 टीजीटी मैथ्स मेल, पोस्ट कोड 133/17 इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों इसका फाइनल रिजल्ट आ गया है। जो इसमें कुल पद थे एडवर्टाइज किए गए थे वो थे 286, जिसमें शामिल हैं अनरिजर्व के 170, ओबीसी 55, एससी 42, एसटी 19 और इसी में फिजिकली हैंडीकैप ओएच के लिए 4 पद और वीएच के लिए 5 पद भी इसमें शामिल हैं इन 286 पदों में। और इसके जो क्लोजिंग डेट थी वो थी 31/1/2018 और जो इसका टीयर वन एग्जाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ था टीयर वन, वो हुआ था 23/9/2018 को, जिसमें 6,715 कैंडिडेट शामिल हुए थे। उसके बाद इनका रिजल्ट जारी किया गया, कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए और इन्हीं सभी के मार्क्स DSSBonline.nic.in पे जारी कर दिए गए थे और 112 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था और उन्हें ईडोजर अपलोड करने के लिए बोला गया था और समय दिया गया था 7/2/2019 से 16/3/2019 तक का। इसमें से 93 कैंडिडेट्स ने अपना ईडोजीर अपलोड किया और 19 कैंडिडेट्स ने ईडोजीर ही अपलोड नहीं किया। तो उसी के बेसिस पे अभी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी से 50 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है। फिजिकली हैंडीकैप्ड ओएच कैटेगरी में कोई कैंडिडेट नहीं है। इसी तरह बीएच कैटेगरी में भी कोई कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। ओबीसी के लिए 4 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, एससी के लिए 18 और एसटी में भी कोई भी सुटेबल कैंडिडेट मेरिट में नहीं आ पाया। तो ये इस प्रकार से इनका ये रिजल्ट जारी किया गया है और कुछ कैंडिडेट से ये 7 कैंडिडेट है जिनका अभी पेंडिंग में है। पेंडिंग में क्यों है ये यहाँ रीजन दे दिया गया है, इनके ये वाले डॉक्यूमेंट ईडोजियर में रिक्वायर्ड हैं। तो इनको एक मौका और दे दिया गया है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अपने अपलोड कर सकते हैं ईडोजियर के माध्यम से 2/5/2019 से और 11/5/2019 तक। तो ये था रिजल्ट नोटिस। अब देखते हैं इसका रिजेक्शन नोटिस। ये है रिजेक्शन नोटिस नंबर 422 टीजीटी मैथ्स मेल। तो इस रिजेक्शन नोटिस में बताया गया है ये कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी से 10 कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी से 6 कैंडिडेट हैं और एसटी कैटेगरी से 1 कैंडिडेट है। तो इन सभी कैंडिडेट्स ने अपना ई डोजियर ही अपलोड नहीं किया, जो कि इनको समय दिया गया था 7/2/2019 से और 16/2/2019 तक का। तो ठीक है दोस्तों, फिर आप देखते हैं अगला रिजेक्शन नोटिस। ये है रिजेक्शन नोटिस नंबर 421 जुड़ा हुआ टीजीटी मैथ्स मेल से ही और इसमें ये कुछ कैंडिडेट्स हैं, पूरे 10 कैंडिडेट्स हैं जिनका कैंडिडेचर रद्द किया गया है अनरिजर्व कैटेगरी से और 2 कैंडिडेट हैं एससी कैटेगरी से। रीजन क्या है, रीजन यहाँ दर्शा दिया गया है। मैक्सिमम का रीजन है सीटेट नॉट क्वालिफाइड, सीटेट आफ्टर कट ऑफ डेट। तो इनका कैंडिडेचर भी कैंसिल कर दिया गया है डी ट्रिपल एस बी की तरफ से। तो ठीक है दोस्तों, जो ये तीनों नोटिस जारी किए गए हैं टीजीटी मैथ्स मेल से जुड़े हुए, इन तीनों का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। बाकी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।